सो है गाइस, बिग बॉस 23 जिसमें वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी है और इस वक्त वोटिंग के जो परसेंटेज आ चुके हैं किससे कितना वोट मिला और कौन इस वक्त घर से बेघर होने वाला है। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुनो, पूरा सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी बीच जो नंबर सातवें नंबर पर चल रहे हैं जिनका नाम है दीपक चौरसिया, इन्हें सबसे कम वोट मिला है, इन्हें 20,000 ही वोट मिला है। जी दोस्तों, 20 के वोट मिला है, 20,000 वोट मिला है और सबसे कम वोट मिला है, यह घर से बेघर हो सकते हैं। नंबर छठे नंबर पर आ रहे हैं जिनका नाम है सना सुल्तान और नंबर पांचवें नंबर पर आ रहे हैं जिनका नाम है अरमान। अरमान को मिला है 360 के वोट, 360,000 अरमान को वोट मिला है। और नंबर चौथे नंबर की बात करें तो नंबर चौथे नंबर पर सना मकबूल आ रहे हैं जिन्हें भी भरकर वोट दिया जा रहा है जनता के द्वारा। अदनान की बात करें तो अदनान को 1.5 मिलियन वोट मिला है। जी हां दोस्तों, और नंबर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जिनका नाम है विशाल पांडे, इन्हें 2 मिलियन वोट मिला है। और नंबर पहले नंबर पर आ रहे हैं जिनका नाम है लोकेश कटारिया, इन्हें 4 मिलियन वोट मिला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो गाइस, वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है और दो कंटेस्टेंट जो भी घर से बाहर होंगे, वो दो कंटेस्टेंट कौन होंगे उन दोनों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। डबल इलेक्शन अभी हमको हमें देखने को मिल सकता है, आज या कल में हमें पता चल जाएगा कौन दो कंटेस्टेंट बाहर हुआ, पर डबल इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो वो दो कंटेस्टेंट होंगे दीपक चौरसिया और सना सुल्तान, ये दोनों घर से बेघर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो गाइस, आप सभी को एक छोटी बड़ी अपडेट किसी हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड सी यू गाइस।